नमस्कार, इस डीप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। सुशांत केस की सीबीआई जांच की अनुशंसा भेजी खुद सीएम नीतीश ने दी जानकारी। शिवसेना नेता संजय राउत ने बिहारियों को धमकाने वाले स्टाइल में ट्वीट के बाद जेडीयू ने दिया यह करारा जवाब। सुशांत केस को लेकर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता बने हुए हैं। मुजफ्फरपुर के इस प्रखंड में कोरोना की सुनामी, एक पंचायत में 27 पॉजिटिव, एक की मौत। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश ने सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। मुख्यमंत्री ने आज मंगलवार को यह सिफारिश करने का निर्णय लिया है। बता दें कि आज ही सुशांत के पिता ने सुशांत केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। परिवार की तरफ से सीबीआई जांच की मांग के बाद सीएम नीतीश ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। बता दें कि इसके पहले सुशांत सिंह के पिता सीएम नीतीश से बात की। सुशांत के पिता ने मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच कराने की गुजारिश की। इसके बाद बिहार सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि शाम तक सीबीआई जांच संबंधी सिफारिश केंद्र को भेज दी जाएगी। शाम होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद यह जानकारी दी कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच संबंधी सिफारिश भेज दी है। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह द्वारा पटना में स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित केस दर्ज कराए गए। मामले की सीबीआई से जांच कराने हेतु राज्य सरकार ने अनुशंसा भेज दी है। खबर पटना से। अभिनेता सुशांत सिंह की मौत मिस्ट्री को लेकर बिहार और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने है। आज बिहार सरकार ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। बिहार सरकार के इस निर्णय के बाद महाराष्ट्र के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस नेताओं ने सीधे सीएम पर निशाना बोला है। महाराष्ट्र की सत्ताधारी शिवसेना ने तो सीधे धमकाने वाली स्टाइल में ट्वीट किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा है कि राजकुमार का एक डायलॉग आज मुझे बहुत याद आ रहा है। चिनाय सेठ, जिनके घर शीशे के बने होते हैं, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। समझने वालों को इशारा काफी है। जय महाराष्ट्र। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में कांग्रेसी प्रेमचंद्र ने कहा है कि बिहार और महाराष्ट्र पुलिस दोनों को आपस में समन्वय कर केस को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस के साथ हुई घटना को पूरी तरह से गलत बताया। किसी भी राज्य के पुलिस को जांच करने का अधिकार है। महाराष्ट्र पुलिस ने गलत किया है। जबकि बिहार सरकार को आरे हाथों लेते हुए उन्होंने नसीहत दी कि नीतीश जी को इस पर महाराष्ट्र सरकार से बात करनी चाहिए। देखिए, सुशांत सिंह मामले में कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस दोनों को आपस में समन्वय बनाकर जांच की दिशा को आगे बढ़ाना चाहिए और जांच के दायरे को भी बढ़ाना चाहिए। सुशांत के पिताजी ने स्पष्ट रूप से सीबीआई जांच की बात करी है, उनके कई शुभचिंतकों ने की है और कल विधानमंडल के दोनों सत्र में इन बातों को सर्वसम्मति से उठाया गया है कि बिहार सरकार सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड करे। तो सवाल यह है कि नीतीश जी या उनकी सरकार इस मामले में राजनीति क्यों कर रही है? हमारे आईपीएस को मुंबई में जबरदस्ती क्वारंटीन किया गया जो ड्यूटी पर था, तो अभी तक नीतीश जी ने तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से बात नहीं की है, न बिहार के डीजीपी ने बात की है। वो कह रहे हम पत्र लिखेंगे। तो ये जो शैली है सरकार की, वो बताती है कि बिहार सरकार सुशांत सिंह मामले में सिर्फ राजनीति कर रही है। इन्हें महाराष्ट्र सीएम से बात करने में किसने रोका है? क्यों नहीं ये कहते हैं कि आपने हमारे अधिकारी के साथ गलत किया है, वो जांच करने गए हैं, ड्यूटी पर है। कांग्रेस स्पष्ट रूप से इस बात को कहती है, किसी अधिकारी को किसी दूसरे प्रांत में भी अपने यहाँ किए गए एफआईआर के संबंध में तहकीकात करने का अधिकार है।
उसे रोकना गलत है। महाराष्ट्र पुलिस ने या जिसने भी, चाहे बीएमसी के लोगों ने किया हो, वो गलत किया है। लेकिन बिहार सरकार जो कर रही है इस मामले में, वो उससे भी बड़ी गलती है। अरे केंद्र में आपकी सरकार है, आप उस सरकार के सहयोगी हैं, सीबीआई जांच कराइए। कल अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास होना है। समारोह में प्रधानमंत्री के शामिल होने को लेकर विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद यह विवाद समाप्त हो गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ट्रस्ट तय करेगी कि अतिथियों की सूची में कौन कौन लोग शामिल होंगे। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस तरह के विपक्षी बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री के साथ कई और विभूतियां समारोह में शामिल होंगे, जो भक्तों को सुकून देने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष को सियासत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दशकों के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम के करोड़ों भक्तों के लिए यह एक अवसर है और इस अवसर पर कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री और अन्य विभूतियों के आने से भक्तों को जरूर अच्छा लगा है, और इस पर जो लोग भी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्रस्ट को ये तय करना है कि उनके अतिथियों की सूची में कौन से लोग होंगे, और चूंकि अब यह विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाप्त हो चुका है, तो निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण से जुड़े शिलान्यास समारोह और अन्य बिंदुओं पर अब सियासत की गुंजाइश अपोजिशन को नहीं ढूंढनी चाहिए। पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत के मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से बिहार पुलिस मुंबई जाकर सुशांत मामले में छानबीन कर रही थी और बिहार के एक आईपीएस को मुंबई में जबरदस्ती क्वारंटाइन करना, जिसको लेकर आज बिहार की राजधानी पटना के कारगिल चौक पर जस्टिस फॉर सुशांत के युवा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के कमिश्नर का पुतला दहन किया गया। अनुशंसा कर दी है जिस प्रकार से बिहार की सरकार ने अनुशंसा की है, तो मैं पूरा भरोसा है बिहार सरकार अनुशंसा करेगी तो केंद्र सरकार उसको निश्चित रूप से संज्ञान में लेगी और सीबीआई जांच की उसको मांग करेंगे। और निश्चित रूप से सीबीआई जांच होगा और सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा, और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग रुकने वाले नहीं है, हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग बैठने वाले नहीं है, ना हम लोग डरने वाले हैं। पूरे जोर तरीके से प्रदर्शन करेंगे, और जब ये सारा लॉकडाउन वगैरह अगर रहा भी, अगर हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा तरीके से अगर ये सब चीज़ हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग 15 आदमी 20 आदमी 25 आदमी निकल करके और मुंबई में जा करके गेटवे ऑफ इंडिया पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। खबर मुजफ्फरपुर से। जिले के सरैया प्रखंड में कोरोना की सुनामी आ गई है। प्रखंड के पंचायत में 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहीं यहां एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है वे सहारा इंडिया एवं LIC के एजेंट थे। वहीं इस प्रखंड के एक अन्य सहारा इंडिया के एजेंट कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों के संपर्क में छित्री बाजार और सरैया बाजार के सैकड़ों दुकानदार हैं, जिनके यहाँ से प्रतिदिन ये दोनों प्रतिदिन बैंक का पैसा जमा करने की वसूली करते थे। वहीं मृतक भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह के भतीजा थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। अरविंद सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार के माटी के लाल सुशांत सिंह राजपूत के मौत केस के मामले में बगुला भगत से मौनी बाबा क्यों बनी हुई है, और महाराष्ट्र में उनके प्रवक्ता और नेता महाराष्ट्र सरकार के जांच प्रभावित करने वाले पुलिस और नेताओं का प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता या सांसद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से किसी ने इस विषय पर बात किया है, और सुशांत सिंह मौत केस में महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री से बात कर CBI जांच करा के न्याय दिलाए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। ¶
लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहां थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार, अब नहीं है मुश्किल जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में बाढ़ का प्रकोप है, 10 जिले बाढ़ से प्रभावित है, जिसके कारण लाखों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। इसी कड़ी में आज गोपालगंज दौरे पर बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पहुंचे और लोगों का हालचाल जाना और सीधे तौर पर कहा कि बिहार में जो बाढ़ के प्रकोप बढ़ा हुआ है, इसे देखने सुनने वाला कोई नहीं है, सरकार हर मोर्चे पर विफल है। वहीं पुराना को लेकर भी स्थितियां लगातार बिगड़ते जा रही है। बिहार में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में औसत हर रोज 2500 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 3 अगस्त को किए गए जांच के मुताबिक राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 62031 पर पहुँच गई है, जिसमें 2464 नए मामले शामिल है। जिन जिलों में संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं, उसमें राजधानी पटना में 393 मामले सामने है, जबकि मुजफ्फरपुर में 197, कटिहार में 120, जबकि वैशाली में 85 नए मामले सामने आए हैं। सीतामढ़ी में 84 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पटना से सटे पालीगंज में सड़क किनारे से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। इस घटना के विरोध में मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने पालीगंज अतलौह सड़क को खीरी मोड़ थाना के पास जाम कर दिया, साथ ही लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझाकर सड़क को जाम से मुक्त कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए पालीगंज अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पहचान मेरा गांव निवासी श्री किशुन बिंद के 25 वर्षीय पुत्र राम बहादुर मांझी के रूप में हुई है। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 24 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ होगा। अयोध्या के चप्पे चप्पे को सजा दिया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत से पहले रामविलास पासवान के बेटे और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने लोगों से अपील की है कि आज के समाज को भगवान राम से सीख लेनी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में प्रदीप सिंह ने टॉप किया है, दूसरे स्थान पर जतीन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा है। कुल 829 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, इसमें 304 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से हैं, 78 EWUS, 251 OBC, 129 SC और 67 ST कैटेगरी से हैं। परीक्षार्थियों के मार्क्स 15 दिन बाद जारी किए जाएंगे। UPSC ने 182 उम्मीदवारों को रिजर्व लिस्ट में रखा है, इनमें 91 जनरल, 9 EWUS, 71 OBC, 8 SC, 3 ST कैटेगरी के हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें हमारे साथ।
बेबस होकर देख रहा, पर था ना कोई सहारा। हर सुख सुविधा की चाहत में मन था बेचैन हमारा। अचानक बदल गए दिन, सोना गोल्ड ने दिया जब साथ। रोग मुक्त हुआ पशुधन और बरसे दूध की अमृत धार। पोषक तत्व से भरा है ये, पशुओं का है संतुलित आहार। परिवार में आई खुशहाली, सुख से भर गया घर संसार। चाहिए गाढ़ा दूध तो भैया, सोना गोल्ड ही लाना। बेहिचक बेफिक्र होकर सोना गोल्ड अपनाना, सोना गोल्ड अपनाना। सोना गोल्ड पशु आहार का वादा, तंदुरुस्त रहे पशु और दूध दे ज्यादा। सोना गोल्ड खिलाओ, खूब कमाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गया से। शहर के विष्णुपद थाना क्षेत्र के ब्राह्मणी घाट डुमरिया मंदिर के समीप रहने वाले 22 वर्षीय उपेंद्र मिश्रा नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई के अनुसार उपेंद्र कल रात दोस्तों के साथ फल्गु नदी में पार्टी का आयोजन किया था। देर रात तक घर नहीं लौटा। अहले सुबह तकरीबन 4 बजे मेरे भाई के खून से लथपथ शव को उसके दोस्त घर पर लेकर आए। दोस्तों का कहना है कि हम लोग पार्टी मनाकर देर रात ब्राह्मणी घाट मंदिर में सो गए थे। इस बीच कुछ लोग आए और उपेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। जबकि परिजनों के अनुसार उपेंद्र का किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। इस घटना के बाद घर में चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही विष्णुपद थाना की पुलिस उपेंद्र के घर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। वहीं स्थानीय निवासी संजय सिन्हा ने कहा है कि उपेंद्र अपने दो दोस्तों के साथ देर रात नदी में पार्टी कर रहा था। उसके बाद वे लोग डुमरिया मंदिर में आकर सो गए। इस बीच अज्ञात अपराधियों के द्वारा उपेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। उसके दोनों दोस्तों से पुलिस पूछताछ कर रही है। खबर औरंगाबाद से। आज बिहार के कई जिले जहां बाढ़ की चपेट में हैं, तो औरंगाबाद के 4 प्रखंड पूरी तरह से सुखाड़ की चपेट में हैं। ये 4 प्रखंड है देव, मदनपुर, रफीगंज और कुटुंब। इन 4 प्रखंड में आज भी किसान सुखाड़ से जंग लड़ रहे हैं। अगर बात सिंचाई व्यवस्था की करें तो इन सभी इलाके में नहर से पानी पहुँचाया जा सकता है, जिससे किसानों के खेतों में हरियाली लाई जा सकती है। लेकिन सिंचाई विभाग के उदासीन रवैये के कारण आज इन 4 प्रखंडों के किसान पूरी तरह से लाचार दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि धान की फसल की रोपाई का समय अब समाप्ति के कगार पर है, लेकिन आज तक इनके यहाँ नहर का पानी नहीं पहुँच सका है। मिली जानकारी के अनुसार इन 4 प्रखंडों में ओइल नहर का कैनाल भी बना हुआ है, लेकिन आज उसको देखने वाला कोई नहीं है। इस बिंदु पर किसानों से जब बातचीत किया गया तो उसने बताया कि आज तक इस नहर में पानी नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जब पानी के लिए विभागीय अधिकारी से मिला गया तो उन्होंने कोरोना में व्यस्त होने का हवाला देते हुए टाल मटोल कर दिया, जिसके कारण आज हम लोग भुखमरी के दहलीज पे खड़े हो गए हैं। खबर रांची से। स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर आज रांची के मोहराबादी स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त रांची छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष COVID-19 के मद्देनज़र किसी भी आम या खास के लिए कोई भी पास जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर आमजनों की एंट्री पर रोक रहेगी। वहीं इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम में कुछ खास पदाधिकारी और कोरोना की रोकथाम में जुटे कर्मी, कोरोना बीमारी को मात देकर स्वस्थ होने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए SDF न्यूज़। नमस्कार।